एक जो अप्रोच uh, है अप्रोच टूवर्ड्स ग्रोथ है जो आपको देना है अगेन आई ऑलवेज से नॉब मैं अपना एक्सपीरियंस यहां पे बता रहा हूं यहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस यहां पर आपके साथ में मैं बता रहा हूं कि आर यू की सबसे पहले मैं अपने टीम मेंबर से क्या बात करता हूं मैं अपने टीम मेंबर से क्या बात करता हूं मेरा एक ही सवाल रहता है फॉर एग्जाम्पल मैं राजेश से बात कर रहा हूं किसी से मेरा एक ही सवाल रहता है राजेश <coughs> कितने दिन इसी कुर्सी पर बैठना है तो है, सर उसको लगता है कि शुरुआत में यार क्या सर क्या बात करें कितने दिन बैठना है मतलब कुछ ऐसा कुछ मेरे को निकालने की तो नहीं सोच रहा कितने दिन इसी कुर्सी में बैठना है? मतलब है सर मतलब बैठना है सर मतलब ये तुम समझ रहे ना कुर्सी मतलब क्या समझ रहा है ना हाँ मतलब समझ रहा हूं सर कितने दिन इसी कुर्सी पे बैठना है सर मतलब बैठना है तो है मतलब इस कुर्सी से बड़ा बनना है कि नहीं बनना है तेरे को हाँ बनना है आपको इस कुर्सी से बड़ा बनना है कि नहीं बनना है हाँ मतलब सर मतलब कुर्सी से बड़ा बनना है तो दो तरीके हैं इस कुर्सी से बड़ा या तो अपना ऐसा वजन इतना बढ़ा ले कि बड़ी कुर्सी लगेगी तुमको वो एक तरीका है इस कुर्सी से बड़ा बनने का पर बड़ी कुर्सी मतलब क्या तुम समझ रहे हो ना इससे ऊपर का चाहिए कि नहीं चाहिए हाँ चाहिए सर फिर उसको समझ में आता अच्छा अच्छा सर क्या बोल रहे हैं हाँ हाँ सर चाहिए तो क्या 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 कर रहे हो उसके लिए तुमको क्या कर रहे हो तुम उसके लिए तो तो सर आप आप बताइए सर आ, क्या करना होगा तुम खुद जानते हो क्या करना होगा अपना रिप्लेसमेंट ढूंढो जब कोई तुम अपना रिप्लेसमेंट तैयार कर लोगे जो तुम्हारे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमसे अच्छे से ये कर ले मैं तो वेट कर रहा हूं ऊपर की पोजीशन पे कि तुम फिर उस टीम को मैनेज करो अब उनको समझ में आता है कि मुझे क्या करना होगा याद रखिए गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम टू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट टू रिप्लेस देम यह मेरे लिए तो कम से कम बहुत काम करता है अब यह उसके अगर वो ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम के अंदर या किसी में किसी को वो तैयार करे कि जो मेरी पोजीशन मेरे से भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सके ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके और मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है हर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता कुछ लोग सिविल सिंपल सैलरी के लिए काम करते हैं कंफर्ट जोन में बट ठीक है बट अगेन द बेस्ट अप्रोच इज टू टेल पीपल टू फाइंड देयर फाइंड एंड प्रिपेयर देयर ओन रिप्लेसमेंट तुम अपना रिप्लेसमेंट खुद बनाओ क्योंकि मैं तो तुमको ऊपर वाली पोजीशन देना चाहता हूं अब ये तुम्हारे ऊपर है कि कैसे और किसको तैयार करते हो इस पोजीशन के लिए और फिर वो जी जान लगा देता है अपना रिप्लेसमेंट खुद ढूंढने के लिए ताकि वो ऊपर की पोजीशन पे जा सके यहां पे मेरा सवाल एक आपसे ये है आप खुद अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे आर यू फाइंडिंग योर ओन रिप्लेसमेंट बताइए 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 आर यू फाइंडिंग योर ओन रिप्लेसमेंट इफ यस हाउ एंड इफ नो वाय वाई आर यू नॉट फाइंडिंग योर ओन रिप्लेसमेंट आप अपना खुद का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आप किसी को क्यों नहीं मोटिवेट कर रहे हैं कि मेरी जगह पे बैठना है ताकि मैं इसके ऊपर जा सकूं मुझे एक अच्छे व्यक्ति की तलाश है जो मेरी जगह बैठ सके ताकि मैं एक लेवल ऊपर जा सकूं और सो so दैट हम सब जो है वो ग्रो करते रहे नीचे से ऊपर तक हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस आर यू फाइंडिंग योर ओन रिप्लेसमेंट आर यू फाइंडिंग समवन हु कैन डू योर करंट जॉब अभी का जॉब आपसे बेहतर कर सके क्या आप किसी को तैयार कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो कैसे मुझे, मैं जानना चाहूंगा मैं सीखना चाहूंगा आपसे और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं यह मेरा सवाल है आपसे मुझे ज्यादा स्ट्रेन करने के लिए मना किया गया एक्चुअली ज्यादा जोर से बोलने के लिए बहुत ज्यादा जोश में आने के लिए मुझे मना किया गया है लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं और चीख चीख कर पूछ रहा हूं आप अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं क्या और अगर हां तो कैसे और अगर नहीं तो क्यों कैसे ग्रो करेंगे फिर आप अगर आप ही अपना रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ रहे हैं तो किस प्रकार से आप अपने जूनियर को मोटिवेट करेंगे कि वो अपना रिप्लेसमेंट ढूंढे हाउ विल योर कंपनी ग्रो बिकॉज कंपनी डज नॉट ग्रो विदाउट पीपल कैपेबल पीपल एंड कंपनी डज नॉट ग्रो विदाउट प्रॉपर सिस्टम लेट द लेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्रेट पीपल एंड रिप्लेसमेंट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कैपेबल मेंबर्स अपने काबिल मेंबर्स को बोलिए कि अपना रिप्लेसमेंट ढूंढिए और खुद अपना रिप्लेसमेंट किसी को बनाना शुरू कीजिए और फिर देखिए किस प्रकार की आपकी कंपनी में एक एनर्जी का संचार होता है इस प्रकार का जो होता है संगीता जी आपका हाथ उठा हुआ मुझे दिख रहा है संगीता जी, आपने अपना जी बहुत इस लेवल पे काम कर लिया अब आपका डेप्यूटी मुझे चाहिए जो आपसे बेहतर ये काम कर रहा है ताकि आप और ऊपर जाए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द बिजनेस हम सबको ग्रो करना है मैं आपको मौका दूंगा बाद में बोलने के लिए आपका अभी यहां पर मेरे को हाथ उठा हुआ दिखा और ये दिखा तो नाउ दिस इज दी अप्रोच क्योंकि जब भी हम धंधा शुरू करते हैं हम अपना काम शुरू करते हैं लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन वंस अगेन जब भी हम अपना काम शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं वी आर जनरली अर्लियर द चीफ वर्कर हम चीफ वर्कर होते हैं अपनी कंपनी की जब हम काम शुरू करते हैं उसके बाद में हम कुछ मेंबर्स ये करते हैं और मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं कई लोग कई स्मॉल एजेंसीज में ऑन्टरप्रिन्यर जो होता है वो मैनेजरी में ही पूरा अपना करियर निकाल देता है मैनेजर से लीडर के पोजिशन पे आइए और फिर लीडर के बाद में बिजनेस ओनर बनिए और और लीडर्स बनाते चलिए बनाते आपका खुद का प्रमोशन क्या है एचआर आप भी हैं है कि नहीं है आप खुद सबसे पहले एचआर हैं अपनी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स हैं आप खुद का ग्रोथ किस प्रकार से प्लान कर रहे हैं फ्रॉम बीइंग द चीफ वर्कर जब आपने कंपनी की शुरुआत की देन बिकमिंग अ मैनेजर ऑफ अ फ्यू पीपल जो आपके नीचे काम करते हैं देन मैनेजर्स जो है वो आप आपने जो है आप लीडर की पोजीशन पे आए और मैनेजर्स को अपना काम करने दिया और लीडर के बाद में आप बिजनेस ओनर बने और नए नए लीडर्स आप तैयार करते गए याद रखिए मैनेजर का, का काम रहता है मेंटेन द स्टेटस को एसओपी को मेंटेन करके रखना ये मैनेजर का, का काम होता है और लीडर का, का काम कर रहता है चेंज दि स्टेटस को मतलब चेंज फॉर द बेटर जब आप लीडर बनते हो और बेहतर स्टेटस को और इंप्रूव कैसे हो और मैनेजर को बोला भैया देखो अब ये और इंप्रूव स्टेट है इसको मेंटेन करो अब तुम तो. और फिर लीडर जो है फिर और कोई नई अच्छी चीज लेकर के आता है और मैनेजर्स को बोलता है अब ये नया स्टेटस को है इसको मेंटेन करो सो फ्रॉम बीइंग द चीफ वर्कर टू दी मैनेजर देन टू डी लीडर बिजनेस ओनर बिजनेस के ओनर के रूप में आपका बनेंगे ये आपसे भी मेरा सवाल है आज का सेशन एंड करते हुए ये एक सवाल मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं ठीक है और मैनेजर और लीडर मेरा कई बार मन करता है कि आपके लिए ना एक, एक जबरदस्त लीडरशिप के रूप में एक सेशन लू की एक बिजनेस लीडर क्या होते हैं लीडरशिप क्या होती है क्योंकि हम सब ना मैनेजरी में फंसे हैं अपने बिजनेस हम सब अपने बिजनेस में हम सब अपने बिजनेस में ना हम सब अपने सॉरी हम सब अपने बिजनेस ना मैनेजरी में फंसे हुए हैं हम तो लीडर भी ना बन सके अभी तक मैनेजर हैं हम एक्चुअली मैनेजर से लीडर की पोजीशन पे अगर आ गए और फिर लीडर से इसके इसके लिए अगेन बेस्ट अप्रोच होता है फाइंड योर ओन रिप्लेसमेंट लेट योर पीपल फाइंड देयर ओन रिप्लेसमेंट एंड यू फाइंड योर ओन रिप्लेसमेंट अपनी जगह बैठने के लिए किसी को तैयार करो और आप बिजनेस ओनर बनो और फिर आप जो है नए नए लीडर्स को तैयार करते रहो कब तक अभी तक का जो काम कर रहे हो दस साल से वही वही काम कर रहे हो कब तक कब तक कब तक, कब तक? किसी एक को तो तैयार करो जो आपका काम करे और आप हायर लेवल पे जाओ